है गाइस, क्या हाल आप सभी के। स्वागत है आप लोग का एक और नए नए वाले वीडियो में। अभी रिसेंटली मैंने जो है जियो फाइबर की वीडियो डाली और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग कमेंट्स भी हैं लोगों के कि भाई जियो फाइबर का प्रीपेड लेना चाहिए कि पोस्टपेड लेना चाहिए, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको प्रीपेड की तरफ जाना चाहिए या फिर जियो फाइबर का पोस्टपेड लेना चाहिए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई स्पीड में डिफरेंस है और 50 चीज़ें। तो चलिए यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैंने यहाँ पे जियो का पोस्टपेड लगाया, लेकिन मैं प्रीपेड भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने खुद प्रीपेड कनेक्शन जो है वो लगवाया था जब मैं रेंट से रहता था एक सिटी के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उस टाइम क्या है, स्टार्टिंग ही हुई थी जियो फाइबर की, तो उस टाइम मैंने जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लगवाया था एंड एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा बढ़िया था कुल मिलाकर से बताऊं तो। अब मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट भी कर पाता हूँ आपको प्रीपेड की तरफ जाना चाहिए पोस्टपेड की तरफ जाना चाहिए, ये सारे बारे में बात करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूंगा। भाई बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आप क्या करते हो भाई, आप रिचार्ज कर लेते हो, आप चलाते हो, जब आपका 30 दिन हो जाते हैं या जितने भी दिन का आपने वैलिडिटी थी वो खत्म हो जाती है तो आपका नेट बंद हो जाता है या कॉलिंग बंद हो जाती है। उसके बाद जब भी आप रिचार्ज कराओगे वापस चालू हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस राइट प्रीपेड के अंदर। लेकिन पोस्टपेड कनेक्शन में क्या है कि आपका सिम बंद नहीं होगा। आपने 1 से 30 तक चलाया, आपने 30 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, फिर आपको 6-7 दिन देते हैं वो लोग कि ये बिल भर देना, बट आपका इंटरनेट चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। वही फाइबर के अंदर है कि अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो आपका नेट चलेगा, नहीं करवाते हो तो नहीं चलेगा। ये प्रीपेड की कहानी है, लेकिन पोस्टपेड के अंदर नेट चलता रहेगा, बस बिल जनरेट होगा, वो आपको पे करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो भाई पेनल्टी लग जाएगी। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वो बिल की तरह है। और दूसरा कन्फ्यूजन लोगों को है कि भाई क्या इसमें स्पीड डिफरेंस होगी, क्या स्पीड कम हो जाएगी ऐसा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्पीड इज सेम। ठीक है, 30 Mbps का प्लान लिया तो 30 Mbps ही मिलेगा, 100 Mbps का प्लान लिया तो 100 Mbps ही मिलेगा, कोई स्पीड का डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस राइट। अब हम बात करते हैं कि जियो फाइबर के अंदर प्रीपेड और पोस्टपेड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंशिएट है कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आप प्रीपेड कनेक्शन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के और जो आपको राउटर देंगे उसके। ठीक है, तो 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिचार्ज करवा सकते हो इंडिविजुअली अपने ऐप से या जहां से भी आप करवाना चाहो वहां से करवा सकते हो। 1500 रुपये लगेंगे पर। तो कुल मिला के आप जो पैसा दे रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप 1500 दे रहे हो ना, तो मैं तो 1500 ही मानूंगा कि आपको 1500 रुपये तो देने पड़ रहे हैं प्रीपेड के अंदर राइट। उसके बाद आप हर महीने जो भी आपको प्लान डलवाना है 30 Mbps का या 100 Mbps का, वो आप डलवा सकते हो इंडिविजुअली 399 का या जो भी है। अब बात आती है पोस्टपेड कनेक्शन की। तो भाई देखो, पोस्टपेड कनेक्शन के अंदर ये चीज़ ज़रूर है, आपको कोई इंस्टॉलेशन या सिक्योरिटी भी नहीं देना है। जो आप यहाँ पे 1500 रुपये दे रहे थे वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है, वो ये कि आप एडवांस में पेमेंट कर दो। तो अगर आप 470 रुपये पे करते हो, जो कि इंक्लूडिंग GST है 399 में, 470 रुपये इंटू 6 अगर आप करते हो तो वो होता है 2824 रुपये। तो अगर 2824 रुपये अगर आप पे करते हो 6 महीने का रिचार्ज आप करवाते हो, तो आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं देना, कोई सिक्योरिटी नहीं देना, कुछ नहीं देना। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन हैं, आप 6 महीने का करवा लो, आप 12 महीने का करवा सकते हो 399 का। लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप 3 महीने का भी करवा सकते हो। अगर आप एडवांस में 3 महीने का रिचार्ज करवाते हो लेकिन 399 नहीं, आपको कम से कम 100 Mbps वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट पड़ती है इंटू 3 अगर आप करोगे तो 2474 रुपये के आसपास। अगर आप 2474 रुपये लगा सकते हो एक बार में, तो आपको 100 Mbps का प्लान मिल जाएगा 3 महीने के लिए। अभी आपको ये कंपैरेटिवली कम लग रहा होगा, बट ये भी देखिए कि 10 ईयर आधा हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो 100 Mbps वाला प्लान एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप 30 Mbps के ऊपर जाओ। 2824 रुपये लगेंगे एक बार के लिए, लेकिन आप 6 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा, 6 महीने तक आप फ्री। सो गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ है पोस्टपेड के अंदर एक्स्ट्रा मिलती है, वो है OTTs। जो भी आपका प्लान है उसके ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो 7 OTTs आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इस तरीके से कुछ प्लान है जो कि मैंने आपको बताया नहीं। भाई देखो, OTTs मैं तो कभी यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप यूज़ करते हो, आप खरीदते हो OTTs अलग से, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप अलग से खरीद लो। अगर आपको फिर भी जानना है कि भाई क्या OTTs के ऑफर्स है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। दैट इज रियली नॉट मेक सेंस कि आप भाई OTT के लिए भाई 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, और वो भी इतने कुछ खास OTTs नहीं है। देखिए मेरा पर्सनल सजेशन क्या है, ये है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो कि भाई मैं घर पे बहुत कम ही रहता हूँ, घर वाले इतना चलाते नहीं है, मैं भाई 10-15 दिन ही घर रहता हूँ, बाकी का टाइम बाहर रहता हूँ, कभी कभी महीने भर बाहर रहता हूँ, तो आप प्रीपेड कनेक्शन के ऊपर जाओ। जब आप घर पे रहोगे रिचार्ज करना, यूज़ करना,
लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आपके घर वाले सब लोग चला रहे हैं इंटरनेट, आप ऐसा मतलब बंद हो जाए तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो आप पोस्टपेड कनेक्शन के ऊपर जाओ, विच इज़ गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने जो कि आप इंस्टॉलेशन के दोगे, राइट? सो इट इज़ गोइंग टू बी मोर सेंसिबल थिंग फॉर यू। और अगर भाई अवेलेबल है ही नहीं आपके यहाँ पे प्रीपेड, देन फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको पोस्टपेड की तरफ ही जाना चाहिए। एंड मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ ग्रेट चॉइस, अगर आप पोस्टपेड की तरफ जाते हो, आप रेगुलर फाइबर के यूज़र हो, आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप पोस्टपेड की तरफ जाओ, 6 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दो। आपका जो भी सजेशन हो, लाइक अगर आपको लग रहा है 150 Mbps मुझे लगता है, तो 150 Mbps का एक बार में पे कर दो, इंस्टॉलेशन का टेंशन खत्म करो एंड बढ़िया मजे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है कस्टमर केयर को कॉल करो, या वो जो भी लगा के गया उसका नंबर ले लो, उसको कॉल करो, भाई सब कुछ फ्री में सही करके चले जाएगा। मेरे साथ तो यही हुआ है, देखो दैट इज माई रिकमेंडेशन। बाकी आपका सिनेरियो क्या है, आपके तरफ की कहानी क्या है, वो जारी तो आपको ही पता है। तो यार यही था यार बेसिक डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए नए वेली वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं भी बोलना हो ना, तो कमेंट में राधे राधे बोल देना। चलो राधे राधे, बाय बाय।